नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज सर्विस के साथ। अब वक्त हो गया है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते, बता दें सरोवर नगरी में वीकेंड के बाद भी पर्यटन सीजन में पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है। सरोवर नगरी में सुबह से शाम तक पर्यटक वाहनों की आमद बनी रही, जिससे अधिकांश होटल पैक हो गए हैं। बता दें होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिस्ट के अनुसार कैंची मेले को देखते हुए 14 से 15 जून को शहर के सुविधायुक्त होटलों में 70 से 80% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगली खबर की ओर चलते, बता दें डाडली गांव में युवक की गर्दन के पास गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव गांव के पास ही ईदगाह के निकट मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। 3 युवक उसे घर से बुलाकर ले गए थे। इस मामले पर स्वजन ने 3 दोस्तों पर शक जताया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और अगली खबर आ रही है देहरादून से, जहां देहरादून एयरपोर्ट पर आज गुरुवार से 2 एरोब्रिज को शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर पहली बार अहमदाबाद के हवाई यात्रियों ने एयरोब्रिज से आवाजाही की। एयरपोर्ट पर 2 एरोब्रिज को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आज से ये सुविधा हवाई पैसेंजरों को मिलनी शुरू हो गई है। इससे अब यात्री टर्मिनल और विमान के बीच एयरोब्रिज से आवाजाही करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते, बता दें वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने पर्वतीय क्षेत्र में लोगों की आजीविका बढ़ाने और रोजगार के नए विकल्प तैयार करने के लिए एरोमेटिक गार्डन बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली एरोमेटिक पौधों की 70 प्रजातियां लगाई जाएगी। पिथौरागढ़ के डीडी हार्ट गार्डन को विकसित करने का काम जुलाई तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। और अगली खबर की ओर चलते, बता दें गंगोत्री हाईवे पर गगनानी के पास हुई बस दुर्घटना में जो तीर्थयात्री घायल हुए हैं, उनमें से अधिकांश अभी भी बेहद डरे और सहमे हुए हैं। इसी बस में 14 वर्षीय अंकिता बिस्ट भी सवार थी। खुशकिस्मत से अंकिता को खरोंच तक नहीं आई। ये बता दें उत्तरकाशी में हुई बस दुर्घटना के 17 घायलों को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। और आखिरी खबर की ओर चलते, बता दें राज्य के नैनीताल समेत 4 शहरों का जल लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे होगा। इससे इन शहरों में सुरक्षित निर्माण की राह आसान हो जाएगी। USDMA की कार्यशाला में उत्तराखंड भूसंकलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया है कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली व अल्मोड़ा का लिडार सर्वे जल्द शुरू होगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।